हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईस्ट बंगाल एफसी के संपर्क में। तो ईस्ट बंगाल एफसी से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज़ेस आ रहे हैं जो कि इस वीडियो में मैं आप सभी से शेयर करने वाला हूं। लेकिन आगे बढ़ूंगा उससे पहले मैं आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दो, क्योंकि ऐसे ही इंडियन फुटबॉल से रिलेटेड डेली अपडेट्स आप सभी को मेरे इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हो, ईस्ट बंगाल एफसी मैनेजमेंट ने काफी सारे प्लेयर्स को, फॉरेनर से लेकर इंडियन प्लेयर्स तक, सारे प्लेयर्स को प्री कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाया है। हालांकि अभी तक इन्वेस्टर ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन ट्रांसफर मार्केट में ईस्ट बंगाल एफसी मैनेजमेंट काफी ज्यादा एक्टिव है। तो दोस्तों, इसी के दौरान ईस्ट बंगाल एफसी मैनेजमेंट ने दो नए इंडियन खिलाड़ियों को ऑफर किया है अपने आने वाले सीजन के लिए। तो दोस्तों, पहले खिलाड़ी के बारे में अगर बात किया जाए तो पहला खिलाड़ी का नाम है फाल्गुनी सिंह, जो श्रीनिधि एफसी के लिए आई लीग में खेल रहे हैं और फिलहाल अभी 27 ईयर्स ओल्ड है। मेनली डिफेंसिव मिडफील्ड में खेलना पसंद करते हैं फाल्गुनी सिंह। तो दोस्तों, फाल्गुनी सिंह को बहुत पहले भी ऑफर दिया था ईस्ट बंगाल एफसी मैनेजमेंट ने, लेकिन दोस्तों वो डील किसी वजह से कन्फर्म नहीं हो पाया था। लेकिन दोस्तों, अभी जो प्रोग्रेस हुआ है इस ट्रांसफर में वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा न्यूज़ है ईस्ट बंगाल एफसी के तरफ से, कि फाल्गुनी सिंह काफ़ी ज़्यादा चांस है कि आने वाले सीजन में हम सभी को ईस्ट बंगाल एफसी के जर्सी में खेलते हुए दिखेंगे। और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरे खिलाड़ी के बारे में। तो दोस्तों, दूसरे खिलाड़ी का नाम है विकास यमुनम, जो राउंड ग्लास एफसी के लिए आई लीग में खेल रहे हैं और मात्र 18 ईयर्स ओल्ड है, जो कि मेनली सेंटर बैक के पोजीशन पे खेलना पसंद करते हैं और करंट इंडिया अंडर 19 इंटरनेशनल प्लेयर है। तो दोस्तों, विकास यमुनम काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड प्लेयर है जो राउंड ग्लास एफसी के लिए खेल रहे हैं और मात्र दोस्तों 18 ईयर्स ओल्ड है, जो कि काफ़ी अच्छा बात है ईस्ट बंगाल एफसी की तरफ से। तो एक यंग टैलेंट ईस्ट बंगाल एफसी मैनेजमेंट जा रही है अपने टीम में साइन करवाने के लिए। लेकिन दोस्तों, फाल्गुनी सिंह और विकास यमुनम के साइनिंग को लेकर एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि इनके क्लब के साथ कॉन्ट्रैक्ट अभी भी है, और अगर ईस्ट बंगाल एफसी मैनेजमेंट इन दोनों खिलाड़ियों को अपने टीम में साइन करवाना चाहती है तो ज़रूर ट्रांसफ़र फ़ी तो देना ही पड़ेगा इनके क्लब्स को। और खबर यह है ईस्ट बंगाल एफसी की तरफ से कि इन दोनों खिलाड़ियों के लिए ईस्ट बंगाल एफसी मैनेजमेंट ट्रांसफ़र फ़ी देने को भी तैयार है, और ऑलरेडी इन दोनों खिलाड़ियों के क्लब्स के साथ ईस्ट बंगाल एफसी मैनेजमेंट का बातचीत अभी चल रहा है और ऐसा खबर है कि डील ऑलमोस्ट डन हो चुका है। तो बहुत ही जल्द, बहुत ज़्यादा चांस है कि ये दोनों खिलाड़ी जल्द ही हम सभी को ईस्ट बंगाल एफसी के जर्सी में खेलते हुए दिखेंगे आने वाले सीजन से। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तीसरे खिलाड़ी के बारे में। तो दोस्तों, ईस्ट बंगाल एफसी मैनेजमेंट की तरफ से ऐसा खबर आ रहा है कि फेडेरिको गायगो को ईस्ट बंगाल एफसी मैनेजमेंट अपने टीम में साइन करवाना चाहती है। तो दोस्तों, फेडेरिको गायगो 32 वर्षीय एक अटैकिंग मिडफील्डर है जो उरुग्वे से बिलोंग करते हैं और लास्ट 4 से 5 सीजन तक लगातार नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को रिप्रेजेंट करते हुए आ रहे हैं। तो ईस्ट बंगाल एफसी मैनेजमेंट की तरफ से ऐसा खबर है कि ईस्ट बंगाल एफसी मैनेजमेंट अपने आने वाले सीजन के लिए फेडेरिको गायगो को अपने टीम में साइन करवाना चाहती है। लेकिन दोस्तों, अभी तक ईस्ट बंगाल एफसी के तरफ से फेडेरिको गायगो को कोई भी ऑफर नहीं गया है जहां तक फिलहाल अभी का अपडेट है। तो इंटरेस्ट जरूर शो कर रही है ईस्ट बंगाल एफसी मैनेजमेंट फेडेरिको गायगो को लेकर, तो आगे देखते हैं क्या होता है। ऑलरेडी ईस्ट बंगाल एफसी मैनेजमेंट ने अपने 2 फॉरेनर खिलाड़ियों को कन्फर्म कर लिया है, इवान गोंजालेस और एरिडाई कैब्रेरा। तो बहुत ज़्यादा चांस है कि फेडेरिको गायगो आने वाले सीजन में हम सभी को ईस्ट बंगाल एफसी के जर्सी में खेलते हुए दिख जाएं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज का लास्ट अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आप सभी को कुछ दिनों पहले ही अपने वीडियो में बताया था कि ईस्ट बंगाल एफसी मैनेजमेंट ने एक ह्यूज पैसे का ऑफर दिया है बिनो जॉर्ज को। तो दोस्तों, बिनो जॉर्ज ने केरला के साथ संतोष ट्रॉफी जीता है इसी साल और ईस्ट बंगाल एफसी मैनेजमेंट का इंटरेस्ट काफ़ी दिनों से बिनो जॉर्ज पर था। तो कुछ दिनों पहले ही ऑफर भेजा था ईस्ट बंगाल एफसी मैनेजमेंट ने बिनो जॉर्ज को, और दोस्तों खबर ये आ रहा है कि बिनो जॉर्ज ने उस ऑफर को एक्सेप्ट किया है और साइन कर दिया है ईस्ट बंगाल एफसी के लिए। तो ईस्ट बंगाल एफसी मैनेजमेंट के तरफ से भी यही खबर आ रहा है कि बिनो जॉर्ज आने वाले सीजन के लिए कंफर्म हो चुके हैं और सीएफएल में एज अ हेड कोच काम करेंगे बिनो जॉर्ज, और डूडन कप और आईएसएल में एज अ असिस्टेंट कोच के रूप में काम करेंगे बिनो जॉर्ज। तो काफ़ी अच्छा खबर है ईस्ट बंगाल एफसी के तरफ से। तो आप सभी को ये न्यूज़ कैसा लगा, आप अपना राय ज़रूर कमेंट सेक्शन पर
बताना। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल ये वीडियो में इतना ही था। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। और अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दो। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में।